ये देश आज ये चाहता है कि हमारी एजुकेशन क्या हो, हमारी हेल्थ का क्या हाल है, हमारी नौकरियां कहाँ चली गई, ये सब चीजें मुद्दे में क्यों नहीं आती? कितना बड़ा नाटकबाजी हो रही है यहाँ पर पूरे, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये डिबेट किस तरह की हो रही है। जब आप सुन लीजिए सर, बच्चों को धमका रहे हैं आप, बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चों को धमका के आए हो आप, हमें धमका रहे हो, बच्चों को धमका रहे हो, सुनते नहीं आप। हुकूमत मिल जाती है, सुन लीजिए, हुकूमत में सबको धमकाना, खत्म हो गया। आप लोग हमारे भगवानों को गाली देते थे, हम आप गाली नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया। देखिए औरंगजेब और दारा शिकोह तो टॉपिक है सर, अगर आप इस पर बहस करनी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मैंने अभी तक ये तो शब्द भी नहीं बोला और ये कह रहे हैं हमारे भगवान। वापस आइए टॉपिक पर, औरंगजेब और दारा शिकोह ना आपके सामने आके ग्रुप के आदमी ने, भाई साहब जब आप किसी को गाली देंगे तो वो भी आपको देगा। किसने गाली दिया? ये सच्चाई वाला मुसलमान नहीं होता। अरे सुनने की ताकत रखिए यार, सुनने की ताकत रखिए। आप नाटकबाजी करते हैं हिंदुओं के खिलाफ, जो ये क्या बहस कर रहे हैं भाई, आज ये एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं बता दूं अंजना जी, नहीं क्या बहस कर रहे हैं, वाले नहीं है हम सबका। आप मारेंगे, क्या करेंगे, मारेंगे आप, मारेंगे क्या, आप कत्लेआम मचाएंगे, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, सुनने वाले नहीं, क्या करेंगे आप, सुनने वाले नहीं, क्या हद हो गई यार, जुबान नहीं है, जुबान नहीं है। ये आदमी इतना बोल रहा है, कमाल की बात, कमाल क्या। अरे अरे नरेंद्र मोदी आप हो क्या, नरेंद्र मोदी आप हो क्या, आपको इजाजत मिली सबको मारने की? आप सबको मारने की धमकी दे रहे हो, बच्चों तक को मारने की धमकी दे रहे हो, बढ़ा चढ़ा के सबको मारने की धमकी दे रहे हो। सलमान खान को तो आप लोग सब जानते हैं, दारा शिकोह को जाने न जाने। सलमान खान अपने घर में जब गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं, तो एक फतवा जारी किया जाता है इन लोगों के द्वारा कि आप तो इस्लाम के फॉलोअर हैं, आप गणपति पूजा कैसे कर सकते हैं। इसी को बीजेपी और आरएसएस कहती है कि नहीं, आप गणपति भी मनाइए, हम इफ्तार भी मनाएंगे। यही मैं नमाज क्यों पढ़ूं, तो मैं पूजा क्यों करूं, क्यों मतलब गणपति मैं जवाब देता हूँ। अंजना जी, 70 वर्षों में आप फोटो निकालिए, कितने इफ्तार पार्टी हिंदुओं ने रखे हैं, रखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। हर शाम को इफ्तार, रोजा के हर शाम को इफ्तार पार्टी, बहुत सारे हिंदू रखते हैं भाई। आप फोटो निकालिए कितने होली मिलन में मुसलमान हैं, मगर ये कहते हैं मुसलमान हैं, निकालिए फोटो, मगर ये कहते हैं गूगल में मिल जाएंगे आपको। आप तो क्या बात आप कर रहे हैं, आप गणेश पूजा कैसे, मतलब सारा ठेका सेक्युलरिज्म का, केवल और केवल आपने नफरत फैलाई है 2014 के बाद। एक सेकंड, नहीं तो सब एक थे, आज भी एक है। एक सेकंड रुक जाए, कोई अलग नहीं है हिंदू मुसलमान। एक सेकंड, कितना सहज इन्होंने कर दिया ना कि आप नमाज पढ़ खाने गए थे कश्मीर, ठीक है, जहां वाजवान होता है। काल मार्क्स साहब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, गणपति मनाने पे आप याद करिए, ओवैसी जी के पार्टी के ही एक एमएलए हैं। ओवैसी तो आपके आदमी है, मैं बोलूं बात बार बार, मैं आपके पीछे फिर बोलूंगा, आप तो आपकी बात, ठीक है, हमारे पार्टी के सदस्य ओवैसी, जिससे आपको बड़ा हो गया है, हमारे पार्टी के मुसलमानों के ठेकेदार, बोलूं मुसलमानों के ठेकेदार थोड़े ओवैसी, बार बार आऊंगी मैं, आऊंगी प्लीज। ओवैसी जी के पार्टी के, उनका नाम वकार, वो जिन्होंने जाके वारिस पठान एमएलए हैं, वो नामी एमएलए हैं, अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने जाके कह दिया गणपति बप्पा मोरिया और आरती, इस व्यक्ति ने, इन्होंने फतवा जारी किया और कहा कि आपको इस्लाम से निकाला जाएगा। तो उन्होंने शाम को मीडिया में माफी मांगा, मेरे से गलती हो गई, मैं गणपति पंडाल में चला गया। मैं फिर वही सवाल कह रहा हूं, आप नमाज पढ़िए, आपके ऊपर भी हिंदू, आप समझ गए ना इसका अर्थ, धार्मिक लोग, मतलब गणपति बप्पा मोरिया कहना गणपति के पास जाना पाप है इस्लाम के लिए। ठीक है, हम इफ्तार करें, ठीक है, ठीक है, समझ गए, यू मेड अ पॉइंट, हम में यही फर्क है, हम बहुत बड़ा बोलिए, हम एक ही खुदा के सामने, को चुप करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल है। चोपड़ा साहब बोलिए, हम एक ही खुदा को मानते हैं, आप एक ही खुदा को मानते हैं, रशीदी जी गणपति के सामने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, बस हम ही जाएंगे, रशीदी जी प्लीज, बस देखिए चोपड़ा, एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं, ये गणपति पूजा से नहीं विश्वास करते, अगर बीजेपी आ जाएगी तो सारे सारा ठेका हमारे ऊपर है कि हम इनको, सारे मुसलमान हिंदू थोड़े हो जाएंगे, हम इनको कहेंगे कि ये कोई बात भी क्या, हम इनको सब कुछ करेंगे, अगर आपकी हुकूमत आएगी तो सबको मार मार के हिंदू थोड़े बनाओगे, मानिए।